नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। सबसे पहले न्यूज रूम लाइव में जिक्र करेंगे हम कानपुर का। कानपुर के अंदर पुलिस की गोली बोलती नजर आई दुष्कर्म के आरोपियों पर। जी हां, एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो घटना घटी थी उसके बाद अपराधियों पर पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ। पुलिस पर और बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ है, जिसमें आपको सीधे तौर पर बता दें कि देसी तमंचे के साथ पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। देसी तमंचे के साथ पुलिस टीम पर फायरिंग कर रहा था आरोपी गुड्डू। जवाबी फायरिंग में रेप के आरोपी को पुलिस की गोली लगी है। आरोपी ने एक दिन पहले 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंदर ये मुठभेड़ की शक्ल देखी गई। तो आपको बता दें कि दुष्कर्म का ये आरोपी था कानपुर देहात में। आरोपी ने एक दिन पहले ही 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें अब पुलिस और उन बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ की शक्ल में यह आरोपी दबोच लिया गया है। तो कानपुर देहात पर दुष्कर्म के आरोपी पर पुलिस की गोली चली। देसी तमंचे के साथ पुलिस टीम पर फायरिंग कर रहा था आरोपी गुड्डू। जवाबी फायरिंग में रेप के आरोपी को पुलिस की गोली लगी है। आरोपी ने एक दिन पहले ही 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंदर ये मुठभेड़ हुई है। तो कानपुर थाना अकबरपुर में 25 फरवरी को एक 7 वर्ष की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी। इस घटना का अभियुक्त फरार था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। आज सुबह थाना अकबरपुर की टीम को अभियुक्त के बारे में सूचना मिली। इस सूचना पे जब टीम के द्वारा अभियुक्त की घेराबंदी की गई और उसे आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, तो अभियुक्त के द्वारा पुलिस पर फायर किया गया और जवाबी कार्रवाई में उसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त घायल हुआ और उसे पकड़ लिया गया। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई की पुलिस ने। हम संतुष्ट इतना है, आदमी को उसको मुलजिम को पकड़ के तो लाया गया। ऐसे आदमी को तो सीधे जान से मार देना चाहिए, तो ज़्यादा भलाई थी। रिश्ते में क्या लगता था आपका? रिश्ते में मेरा मामा लगता था। बेटी की तबीयत कैसी है? बिटिया की तबीयत अभी कुछ अच्छी नहीं है। अच्छा, डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर बता रहे हैं कल अभी तो रुकना पड़ेगा 6-7 दिन। हमारे भांजे की बिटिया थी। कई साल की है? 7 साल की। तुम्हारी उम्र कितनी है? 31। तो कैसे हो गया? सर नशे में थे। कितना नशे में थे? ज्यादा 2 क्वार्टर के। वो नशे में थे? हाँ सर। तो कैसे ले गए, कहाँ ले गए थे? जीजा के साथ खेत में गए थे। जीजा यहाँ से जीजा इधर चले, हम उधर ले चले गए थे नशे में थे। उसके बाद? उसके बाद काम किया सर, लड़की बेहोश हो गई, चले आए। कहाँ भाग गए थे? भाग आए थे इधर भाटिया होटल की तरफ अपने। अच्छा, रात में मुठभेड़ कैसे हुई पुलिस से? पुलिस भाग रहे थे तो गन्ने रोड में मिल गए, तो हो गई मुठभेड़। पहला फायर किसने करा? हमें। कानपुर देहात पुलिस ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को महज 24 घंटे के अंदर हाफ एनकाउंटर कर दिया। यकीनन पुलिस की इस कार्यशैली से पीड़ित परिवार तो खुश है ही, साथ ही पुलिस की इस कार्यशैली से उन अपराधियों पर लगाम लगेगी जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, साथ ही अपराध भी कम होगा। सलीम सिद्दीकी, कानपुर देहात। तो 6 साल की मासूम के साथ गुनाहगार के खिलाफ पुलिस की आज मुठभेड़ हुई और ये आरोपी पकड़ा जा चुका है। ये गुड्डू नाम का आरोपी है। एक दिन पहले ही 6 साल की बच्ची के साथ इसने वारदात को अंजाम दिया था, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में अब ये है। तो 6 साल की मासूम बच्ची के साथ इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल देसी तमंचे से ये पुलिस के ऊपर फायर कर रहा था, उसी दौरान पुलिस ने एनकाउंटर की शक्ल में इसे गिरफ्तार कर लिया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कानपुर देहात की है, जहां पर कानपुर देहात के पुलिस ने 24 से 48 घंटे के भीतर ही इस आरोपी को दबोच लिया। लगभग एक दिन पहले ही इसने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। तो कानपुर देहात से यह खबर है, जहां पर 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की जो घटना को अंजाम दिया उसमें आरोपी गुड्डू की गिरफ्तारी हो गई। आपको बता दें कि मुठभेड़ की शक्ल में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी ने एक दिन पहले 6 साल की मासूम की बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। इससे तमाम पूछताछें होंगी, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने तेजी के साथ तत्परता दिखाते हुए यहां पर काम किया, तो काफी काबिले तारीफ है।
कानपुर देहात से खबर, जहां पर 6 साल की मासूम के साथ गुनाहगार के खिलाफ पुलिस की गोली बोली और इनकाउंटर की शक्ल में यह गिरफ्तारी की वारदात सामने आई है। फिलहाल कानपुर देहात में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। यह पौश इलाके के अंदर अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी और कुल मिलाकर काफी समय से इसकी शिकायतें भी देखी जा रही थी। खतौली के अंदर, मुजफ्फरनगर के खतौली में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस अवैध पटाखा फैक्ट्री को फिलहाल लॉक किया है, सील किया है। और यहां पर सीधे तौर पर अगर देखें तो पौश इलाके के अंदर चल रही इस पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा गया था। भारी मात्रा में यहां से विस्फोटक और तमाम विस्फोटक पदार्थ पटाखे बरामद किए गए। तो मुजफ्फरनगर के खतौली के अंदर ये फैक्ट्री चल रही थी, एक पौश इलाका जहां पर ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तो मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री को यहां छापेमारी कर सील किया है और यहां पर भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए गए, भारी मात्रा में विस्फोटक भी यहां पर बरामद किया गया। पौश इलाके में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री। सचिन जौहरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर मुजफ्फरनगर से। सचिन, क्या कुछ बरामद हुआ है इस अवैध फैक्ट्री से? देखिए, आपको बता दूं, खतौली थाना क्षेत्र के वीआईपी जो रिहायशी क्षेत्र है उसमें पुलिस ने एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसमें भारी मात्रा में पटाखा और विस्फोटक सामग्री पुलिस ने बरामद की है। दो लोगों को वहां से गिरफ्तार भी किया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, कब से चल रही थी और किसकी शह पर चल रही थी। लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए, जिस तरीके से भारी मात्रा में यहां पर विस्फोटक था, पटाखे थे और पौश इलाके के अंदर ये पूरी फैक्ट्री चल रही थी, क्या इससे पहले तमाम ऐसी जानकारियां लोकल पुलिस को नहीं थी? एलआईयू का क्या फेलियर नहीं है? बिल्कुल, जिस तरह से रिहायशी इलाके में इस तरह से फैक्ट्री चल रही थी और पूरी तरह से अवैध फैक्ट्री थी, तो एक बड़ी कमी नजर आ रही है प्रशासन की कि किस तरह से ये चल रही थी। उसी पूरी जांच में पुलिस जुट गई है और देख रही है कि किसके संरक्षण में चल रही थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलिए अब खबर हापुड़ से है, जहां पर एक लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ है। रिश्वत लेते हुए यह लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ, अपने गुर्गे के जरिए यह लेखपाल रिश्वत लिया करता था। हापुड़ से यह खबर है, जहां पर रिश्वतखोर लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ है, अपने गुर्गे के जरिए रिश्वत लेता था। जमानत के नाम पर बुजुर्ग से इसने रिश्वत मांगी थी। घूसखोर लेखपाल का यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो जमानत के नाम पर बुजुर्ग से इसने रिश्वत मांगी थी, अपने गुर्गे के जरिए रिश्वत लेता था और लेखपाल का नाम शकील बताया जा रहा है। तो घूसखोर लेखपाल की ये वीडियो आप देखिए। तो अपने गुर्गे के जरिए ये रिश्वत लेने का काम करता था। ये तस्वीर आप देखिए, लाल घेरे में आप देखेंगे रिश्वत के पैसों को आप देखिए, और उसने तुरंत इशारा किया अपने गुर्गे की तरफ कि ये पैसा इसको दे दो। तो लाल घेरे में आप जो देख रहे हैं ये रिश्वत के पैसे हैं। लेखपाल का वीडियो वायरल हो रहा है, जमानत पर के नाम पर बुजुर्ग से रिश्वत मांगी थी हापुड़ में रिश्वतखोर लेखपाल का यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। तो हापुड़ में रिश्वतखोर लेखपाल शकील का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए गुर्गे की तरफ इशारा कर एक बुजुर्ग से जमानत के लिए पैसा। विजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, जिस तरह की ये वीडियो वायरल हुई है, क्या इस वीडियो के वायरल होने के बाद किसी तरीके की कोई कार्रवाई इस लेखपाल पर देखी गई? ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि इस संज्ञान प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया है। उसके बावजूद इसके खिलाफ जांच चल रही है। अब वो जब इस मामले में एसडीएम साहब से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले इसकी जांच कर लें, जो भी दूध का दूध पानी का पानी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि तस्वीर वायरल हुई है और तस्वीर अधिकारियों तक पहुंची है, तो क्या तस्वीर काफी नहीं है सबूत के तौर पर?
तस्वीर काफी है, उसी को लेकर हमने चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा कि इससे हम हर संभव कार्रवाई करेंगे, अभी एप्लीकेंट हमारे पास आया नहीं है, जैसी वो हमें तहरीर दे देगा उसी के अकॉर्डिंग हम लेखपाल पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अब बात करते हैं आगरा की, जहां पर मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नकली दूध का कारोबार यहां पर लगातार फल फूल रहा था और यही वजह है कि फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से छापेमारी की गई। तमाम अधिकारी पहुंचे उन दुकानों पर जहां से लगातार शिकायतें मिल रही थी। आगरा से खबर है, पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग के अफसरों ने कार्रवाई की है और कार्रवाई के तौर पर आगरा के बिलौटी गांव में चल रहा था नकली दूध का कारोबार, जिस पर छापेमारी की गई है। तो नकली दूध बनाने का कारोबार कई साल से चल रहा था, लगातार शिकायतें मिल रही थी। डिटर्जेंट से यहां पर दूध बनाकर लोगों की जान से खेलते थे आरोपी। तो छापेमारी के दौरान मौके से भागने में कामयाब रहे आरोपी। पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग के अफसर ने यहां पर कार्रवाई की। एक व्यक्ति जो वहाँ जिसके परिसर में या जिसके घर में पाया गया था वो मुकेश सिंह चौहान, सन ऑफ श्री राजवीर चौहान, वो व्यक्ति है। और उसके साथ साथ चार पांच व्यक्ति और हैं जो उनके इस पूरे काम में हैं, जो जांच का विषय है। पुलिस के द्वारा भी ये मुकदमा पंजीकृत हो गया, जांच के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और आगे जो भी दोषी हैं उनको विधिवत नियम के अनुसार उनके खिलाफ। मोहित ससोदिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। मोहित, कितनी दुकानों पर छापा मारा गया और इस छापेमारी में क्या कुछ हासिल किया गया है? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो छापा था ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तरफ से ये छापा मारा गया था। काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि गांव बेलोटी में अवैध कारोबार चल रहा है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूध, जहरीली दूध बनाया जा रहा है, सिंथेटिक दूध का, और उसे डिटर्जेंट जो पाउडर होता है उससे बनाया जा रहा है, अन्य केमिकल भी मिलाए जा रहे थे। इसी को देखते हुए जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने वहां पर जब छापा मारा तो जो आरोपी थे, जो बनाने वाले थे, वो वहां से सभी फरार हो गए। इसमें ग्राम प्रधान का भाई है वो मुख्य आरोपी है, वो उसी के सह पर ये टोटल कारोबार चल रहा था। ये देहात क्षेत्रों में दूध एकत्रित करने के बाद में उसे देहात क्षेत्रों में ही उस दूध को बेचा करते थे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने दिनों से और ये इतना बड़ा एक कारोबार, सिंथेटिक दूध का इतना बड़ा कारोबार कैसे चलता रहा? आखिर इस पर कोई स्थानीय प्रशासन की और पुलिस प्रशासन आखिर अब तक कैसे नजर नहीं पड़ी? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर आगरा के अंदर तमाम जगहों पर ये सालों से दुकानें चल रही थी और नकली दूध का कारोबार होता था। किसान आंदोलन के नाम पर लगातार तमाम विपक्षी दल साजिश रच रहे हैं सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। जी हां, चौधरी अजीत सिंह की तरफ से आज जो बयान दिया गया वो कुछ यही बताता है कि सरकार और बीजेपी के खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर। आपको बता दें, चौधरी अजीत सिंह ने आज ये बयान दिया, ये भड़काऊ बयान बागपत की रैली में दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार और बीजेपी का बहिष्कार करें। तो आरएलडी चीफ अजीत सिंह और चौधरी अजीत सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार यानी कि योगी सरकार का, इसके साथ ही साथ मोदी सरकार का और बीजेपी का बहिष्कार करें। चौधरी अजीत सिंह की तरफ से बागपत की रैली में यह भड़काऊ बयान आज दिया गया। सरकार के खिलाफ साजिश रचने का काम तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं, आरएलडी आज करती नजर आई। चौधरी अजीत सिंह चीफ आरएलडी की तरफ से भी आज कुछ ऐसा ही बयान निकलकर सामने आया, जब उन्होंने कहा कि सरकार और बीजेपी का बहिष्कार करें। तो चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश रचने का काम किसान आंदोलन के नाम पर किया जा रहा है। तो इस सरकार ये नहीं तो ये देश को तबाह कर देगी, कर दिया है। 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी, दो करोड़ नौकरी को खत्म कर दी। किसान की आय दुगनी करेंगे, 100 कार्ड देके दुगनी करेंगे, 2022 तक आय दुगनी कर देंगे। मेरे ख्याल से सच कह रहा है करेगा, लेकिन पहले आधी करेगा फिर अभी तो आय आधी करने में लगा है ना। रोजगार की नौकरी खत्म, युवकों की नौकरी खत्म, यूनिवर्सिटी बंद, मेडिकल कॉलेज बंद, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद। बाप के पास पैसा नहीं कि बेटा रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खाया, क्या करेगा नवयुवक? नवयुवकों, इस सरकार को नष्ट करने में लग जाओ वरना तुम्हारी जिंदगी आगे जाके बर्बाद होगी और कुछ होने वाला नहीं है। क्या था, मैंने एक बात कही थी कि
अमित शाह ने बीजेपी के एमएलए और सांसदों को और मिनिस्टर्स को कहा है गांव में जाओ किसानों को समझाओ नहीं बदलते। और आपके सांसद तो कहते हैं कि सिर्फ 15 पढ़े लिखे आदमी हैं लोकसभा में, मैं भी एक हूँ। भैया तू मुझे आके समझा दे, मैं समझा दे भाई। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। नोएडा से खबर है जहां पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। आपको बता दें कि सेक्टर 12 के अंदर एक गेस्ट हाउस में यह सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था जिसका भंडाफोड़ आज नोएडा पुलिस ने किया है। आपको बता दें कि यहां से कुल 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 7 लड़के और 4 लड़कियां इस गेस्ट हाउस में उस वक्त मौजूद थे जब छापेमारी की गई। तो सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ आज नोएडा में किया गया। सेक्टर 12 के अंदर पुलिस ने छापेमारी की जहां पर गेस्ट हाउस के अंदर यह पूरा रैकेट चल रहा था। देखिए सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में आज एक सूचना मिली कि सेक्टर 12 में एक आवासीय परिसर में कुछ अवैध धंधे चल रहे हैं। इस सूचना पे हमारी टीम गई, एसीपी सेकंड के साथ पूरी टीम, एएचटी वगैरह सभी लोग गए वहाँ पर। वहाँ जांच पड़ताल की गई और वहाँ पे कुछ महिलाएं थीं और कुछ पुरुष थे और उन लोगों की गतिविधियों से और वहाँ पर जितने सारे जो सामग्री मिले उससे ऐसा लग रहा था कि वहाँ देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इसमें हम लोगों ने 7 पुरुष को अरेस्ट किया है और वहाँ पे कुछ महिलाएं भी मिली हैं, उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से वहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग करके और लोग वहाँ पे देह व्यापार चला रहे थे। इसमें हम लोग जो आपत्तिजनक चीज़ें उसको भी सीज कर लिया है और वैधानिक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ से खबर है जहां पर एक निजी अस्पताल के अंदर मारपीट हुई है। आपको बता दें कि स्टाफ और तीमारदारों के साथ ये मारपीट हुई, पैसा पेमेंट लेने को लेकर ये पूरी मारपीट हुई थी। अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल का मामला जहां पर पैसे पेमेंट को लेकर स्टाफ और तीमारदारों में मारपीट की तस्वीर सामने आई। पुलिस के पहुंचने के बाद वहां पर एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है और उसको हिरासत में लिए जाने को लेकर आरोप लगाया गया। पुलिस पर हिरासत में लिए गए डॉक्टर को वजह से आरोप लगे हैं और गुस्सा है, बाकी डॉक्टर्स और स्टाफ हड़ताल पर बैठ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी मरीज आता है, कोई भी डॉक्टर उसको अच्छे से इलाज करके ही घर भेजना चाहता है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मरीज के साथ बुरा हो। ये जो केस है, पर्टिकुलर केस, ये एक डिलीवरी का केस था। पेशेंट के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी, तभी वो के हॉस्पिटल आया, वो दूसरी जगह नहीं जाया क्योंकि यहाँ पर अभी ये बहुत अच्छी क्वालिटी का सेंटर है, अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ पर जब उसका ऑपरेशन हुआ उसके बाद उसको प्रॉब्लम्स भी हुई, पेशेंट को इतनी कॉम्प्लिकेशन हुई कि वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थी पेशेंट। अगर मोस्ट प्रॉब्ली मैं जहाँ तक जानता हूँ अगर वो किसी और हॉस्पिटल में होती तो शायद बच भी नहीं पाती। इन्होंने बहुत मेहनत करके अस्पताल के पूरे स्टाफ ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर सब लोगों ने उस पेशेंट को बचाया, ना सिर्फ बचाया वेंटिलेटर पर रखने के बाद उसको, आज वो छुट्टी की हालत में आ गया पेशेंट। जब पेशेंट छुट्टी होने की हालत में आ गया उस वक्त जाके जब एंड तक भी इतने इलाज करने के बाद भी जब उसको पेमेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो उसको डिस्कस करने के बजाय उसके अटेंडेंट ने हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करी और धक्का मुक्की करी। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, ये मामला क्या है, किस अस्पताल का मामला है और अब जो हड़ताल पर बैठे हैं स्टाफ और डॉक्टर्स, उनकी मांगे क्या हैं? देखिए ये मामला बड़ा क्लियर है। एक पेशेंट के साथ तो उसका पेमेंट का विवाद हुआ, लेकिन उसका अभी जो लेटेस्ट वीडियो आया है, जो वहां पर हॉस्पिटल के अंदर का वीडियो सीसीटीवी फुटेज, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो पैरोकार है मरीज का, वो बात कर रहा है और अंदर से डॉक्टर अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं, जिनके जिसमें उनके साथ रिवॉल्वरधारी वो शेडो है उनके, और जिनको वो कहते हैं बाउंसर, उनके साथ आते हैं और मरीज की पूरी तरीके से पिटाई करते हैं, ठीक है, और वो भी पुलिस के सामने पुलिस खड़ी थी। फिर उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, पुलिस अंदर गई तो पुलिस ने अंदर जाकर के उनको पिस्टल के साथ रोका और तब जाकर के उन दोनों को हिरासत में लिया। अब इस मामले को लेकर के डॉक्टर अगर उस पर बैठे हैं तो मरीज के परिजनों ने भी रोड जाम करके वहां बैठ गए हैं। इस मामले में एसएसपी ने एक सिपाही को निलंबित कर दिया, जबकि जो कंडीशन है एसएसपी की कार्रवाई बिल्कुल उचित नहीं है कि उसने उस पर लाइन हाजिर कर दिया। ठीक है योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के। तो इसी के साथ आज के न्यूज रूम लाइव पे बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।